सारे कहिंदे ने कि रात नूं कदे भी दही नहीं खाना चाहिदा, लस्सी नहीं पीनी चाहिदी, पर क्यों सवाल पैदा हुंदा है। सारे कहिंदे ने ना खाओ, पर क्यों ना खाओ, आ जाओ इस ते विचार करदे हां और ध्यान नाल सुन लिया जे। देखो जदों कोई व्यक्ति इस संसार विच आउंदा है, बच्चा हुंदा है ना, तां उह कफस हुंदा है, यानी तीन कारण है, कफस, पित्तस और वातस, बीमारियां होण दे। और मनुख जदों पैदा हुंदा तां कफस हुंदा, उहनूं की हुंदा है, खांसी, जुकाम, गला खराब, छाती दा जाम होना, ऐसे रोग हुंदे ने। इस तरह मनुख जदों सवेरे उठता भावें किसी भी उम्र का हो, तो उन्होंने ये सारा कुछ ही हुंदा है, यानी वो गले कुछ होएगा, उन्होंने साफ सफाई करनी पेगी, नक् न साफ करना पेगा। जदों बच्चा जवान हो जाता है तब पित्तज हो जाता है शरीर, गर्मी आ जाती है, उन्होंने गुस्सा ज़्यादा आता है, किल होंगे ने, मुहासे होंगे ने। इस तरीके कोई भी व्यक्ति जो दोपहर हो जाती है, बहुत गर्मी हो जी काला पेगा, भुख लगेगी, गर्मी आएगी, खारिश आएगी, इस तरीके पित्त असर कर जाती, जिवें दोपहर हो जाती है, सूर जो सिर पर आ जाता है तो अंदरों खो पी कुछ खाना पैंता है, भुख लग जाती है, यह है पित्तस की निशानी। शाम को जदों शाम पै जाती है तो आदमी का शरीर वातस हो जाता है, वात वाला बन जाता है, वो किवें कि उसकी थकावट आ जाती है। इस तरह जब मनुख कोई दुनिया से आया तो बुजुर्ग हो गया, तो बुजुर्ग होने तो बाद गोडे मोढ़े दुखते हैं, तो यह की होया वात के रोग हो गए। पर बहुत सारे बुजुर्गों को हार्ट डिसीज़ हो जाती है, दिल के रोग हो जाते हैं, यह भी वात की निशानी है। तो फिर जिहड़ा दही है ना, सारी दुनिया के जिहड़े खाने ने वो कोई ना कोई आप दे विच एक चीज़ समोई बैठे ने, कोई खाना कप वाला है, कोई पित्त वाला है, तो कोई वात वाला है। तो जिहड़ा दही ते लस्सी है ना, एक खास करके वात दे खाने ने, वात नूं वधाउण वाले ने। अगर दोपहर तो पहला लै ले जांदे आ कफ दे टाइम ते, नो टेंशन, पित्त वाले टाइम ते लै ले जांदे आ, चल सकदा है। लेकिन शाम नूं वात खाणा वात नूं बहुत वधा दिंदा है, ते फिर किहड़े रोग हुंदे ने भला, हार्ट दी डिसीज़ हुंदी आ, उहदे बहुत सारे नुकसान हो सकदे ने हार्ट दी, ते कदे भी गोडे मोढ़ां दे नुकसान हो सकदे ने। तां शाम हो जावे ते कदे भी दही जां लस्सी दा प्रयोग नहीं करना चाहीदा। सियाणियां दा कथन है कि सवेरे जे तुहानूं कोई सोना दे के कहे कि मैनूं लस्सी जां दही दे दे, तो कहिंदे दुपहर तो पहला कदे भी सोना लैके दही ते लस्सी उहनूं नहीं देना चाहीदा। तो जे कोई रात नूं कहे कि सोना लै ला ते नाल दही ते लस्सी भी खा ला, तो कदे नहीं खाणा चाहीदा। तो एक गल होर ध्यान करन वाली आ कि जिहड़ा दही हुंदा है इहदे च बैक्टीरियाज़ हुंदे ने, जिहड़े बैक्टीरियाज़ हुंदे ने जदों असीं लूण पा के खाने आ उह मर जांदे ने, ते कदे भी ये गलती नहीं करनी, क्योंकि लूण एंटीबैक्टीरियल है और लूण विच कदे भी कीड़े नहीं पैंदे, भावें जिन्ना मर्जी पुराना हो जाए लूण कदे पुराना नहीं हुंदा। हज़ारां सालां तो पहाड़ ने लूण दे कदे भी खराब नहीं होए। तो आपां ध्यान देना है कि कदे भी एंटीबैक्टीरियल चीज़ उस दही दे विच नहीं पाउणी। दही नूं खाणा फिक्का खा सकदे हो, जे नहीं सरदा कुछ उहदा टेस्ट करना है तां तुसीं उहदे च शक्कर पा के खा सकदे हो, वरना काली मिर्च पा सकदे हो, पर लूण ना पाया जे, उहदे नाल उहदी तासीर, उहदे गुण मर जांदे ने। सो अज तो बाद कदे भी तुसीं अपने शरीर नूं ठीक रखना चाहुंदे हो, अपने वेट नूं काबू च रखना चाहुंदे हो, तां शाम हुंदिआं दुपहर तो बाद कदे भी लस्सी ते दही दा प्रयोग नहीं करना चाहीदा, और ना ही कदे करिओ जे तुसीं अपने ठीक शरीर नूं ठीक रखना चाहुंदे हो। ते जे तुसीं दवाइयां दी पंड बन के अपने नाल रखनी है, डॉक्टरां ते हॉस्पिटलां दे गेड़े कट्टणे आ, फिर तुसीं बड़े शौक नाल खा सकदे हो। जे तुहानूं बीमार होण दा शौक है तो तुसीं ये शौक जरूर पूरा करिया जे, अगर ठीक रहण दा शौक है तो फिर तुसीं ये गलती कदे भी ना करिया जे। कृपा करके इस वीडियो नूं शेयर करिया जे, कमेंट्स भी दिया जे। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।